जांच में एनआईए की टीम आई थी, जांच में एनआईए को हमने पूरा सहयोग किया। शक के आधार पर एक मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करके 26वां नाम नंबर पर मेरा नाम जो है दर्ज किया। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप आईवीटीवी देख रहे हैं। बता दें कि बिहार टेरर मॉड्यूल मामले में एनआईए की टीम ने एक साथ राजधानी पटना समेत बिहार के अलग अलग जिलों में धावा बोला है। दरभंगा, इसके साथ ही किशनगंज के तमाम जो इलाके हैं वहां पर एनआईए की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और इसके साथ ही राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में बिहार टेरर मॉड्यूल को लेकर एनआईए की टीम धावा बोल चुकी है और वहां भी लगातार छापेमारी चल रही है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि फुलवारी शरीफ के मिल्कियाना मोहल्ले में मौजूद SDPI एहसान प्रवेश के घर में छापेमारी की गई है। छापेमारी सुबह सुबह की गई है। वहीं दूसरी तरफ फुलवारी शरीफ के गोनपुरा गांव में एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। यहां दो लोगों के घरों की तलाशी और पूछताछ किया गया अमीन खान और छोटे खान के घर में एनआईए की टीम मौजूद है और घर के लोगों से पूछताछ कर रही है। इनका नाम फुलवारी शरीफ मॉड्यूल में पहले भी आ चुका है और उसी को लेकर के एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। तो ये पटना से जुड़ी खबर है, लेकिन पटना के अलावे भी बिहार के अलग अलग जिलों में एनआईए की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और लोगों से पूछताछ कर रही है। बता दें कि बिहार टेरर मॉड्यूल मामले में एनआईए की टीम ने गुरुवार की सुबह यानी कि आज ही सुबह सुबह जिलों में एक साथ धावा बोला है। सुबह सुबह टीम अररिया के जोकीहाट पहुंची तो दरभंगा में नरुद्दीन जंगी के घर के आसपास छापेमारी की। इसके अलावा बिहार के छपरा में भी एनआईए की टीम पहुंची है। नालंदा में भी छापेमारी हो रही है। इसके अलावा कई और जिलों में भी लगातार छापेमारी की जा रही है और इनसे जुड़े जो बिहार टेरर मॉड्यूल से जुड़े लोग थे उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। एनआईए की टीम अररिया के जोकीहाट में एहसान प्रवेश के घर पहुंची। फुलवारी शरीफ मामले में एहसान प्रवेश का नाम सामने आया है। वो SDPI का प्रदेश महासचिव है। पटना टेरर मॉड्यूल मामले में दरभंगा के सिवहाड़ा थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव में छापेमारी हो रही है। यहां मोहम्मद मुस्तकीम के घर पर छापेमारी चल रही है। पिछले महीने भी एनआईए की टीम ने छापेमारी की थी। मोहम्मद मुस्तकीम और सनाउल्लाह दोनों का गांव एक ही है। पटना टेरर मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। दरभंगा शहर में दानिश लॉज में एनआईए छात्रों के द्वारा पूछताछ कर रही है। सभी छात्रों का मोबाइल भी जब्त किया गया है। वही बात छपरा की करें तो छपरा में भी कई ऐसे नाम सामने आए हैं जहां पर उनके घरों पर छापेमारी चल रही है और इस मामले से जुड़ी तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं। बता दें कि मुस्तकीम के माता पिता और भाई से एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। स्थानीय पुलिस साथ में है। गांव में नाकाबंदी की गई है। वहीं दूसरी ओर बिहार के छपरा में एनआईए की टीम जलालपुर पहुंची है। जलालपुर के माधवपुर पंचायत के जाने माने शिक्षक परवेज आलम के घर टीम पहुंची। छापेमारी में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। एक घंटे से अधिक हो गई और लगातार वहां पर छापेमारी की जा रही है और पूछताछ भी जो है बनी हुई है। वहां पर जो भी लोग हैं आसपास के और उनके घर के उनसे पूछताछ भी की जा रही है, जानकारी इकट्ठा की जा रही है। बता दें कि संदिग्ध आतंकवादियों के परिजनों से पूछताछ की जा रही है। पटना टेरर मामले का भांडाफोड़ होने के बाद कई जिलों में तार जुड़े हुए हैं। इसके बाद नामदर्ज प्राथमिकी दर्ज हुई थी। आज जिन जिलों में एनआईए की टीम पहुंची है सभी उसी नामदर्ज प्राथमिकी के अभियुक्त है। नालंदा में भी एनआईए की टीम पहुंची है और वहां भी पूछताछ जारी है। तो तमाम बता दें कि बिहार टेरर मॉड्यूल से जो लोग जुड़े हुए हैं, जहां जहां एनआईए की टीम को लग रहा है कि इसके तार जुड़े हुए हैं, उन उन जिलों में जाकर ये छापेमारी की जा रही है। आप इन तमाम मुद्दों पर क्या सोचते हैं, हम तक अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहे IBTV के साथ। धन्यवाद। क्या मामला था? 12 जुलाई को पटना फुलवारी शरीफ में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जो कि वहाँ फुलवारी शरीफ DSP और वहाँ का स्थानीय प्रशासन जो है शक के आधार पर एक मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करके 26वां नाम नंबर पर मेरा नाम जो है दर्ज किया। और जब मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि उसमें मेरा भी नाम है। आरोप क्या है उसमें? आरोप उसमें देश के विरुद्ध गलत गतिविधि करने का आरोप लगाया गया है, जो कि बिल्कुल ही एक षड्यंत्र है, मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है। जांच में क्या है? जांच में एनआईए की टीम आई थी। जांच में एनआईए को हमने पूरा सहयोग किया है। एनआईए हमारे मोबाइल भी लेकर के गई है और ये आश्वासन दिया है कि जांच के बाद आपके मोबाइल को लौटा दिया जाएगा।
सुप्रीम फर्नीचर नाम ही काफी है, रेंज ऐसा कि देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। यहाँ आपको मिलेगी 400 से लेकर 4000 तक की कुर्सी, तो देर मत कीजिए, होलसेल और रिटेल के लिए आइए बिहार के एकमात्र डीलर लवली इंजीनियरिंग इंटरप्राइजेज में। हमारा पता है नाला रोड पटना। जानकारी के लिए इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं 9931230990 या फिर 9835067074 पर।